अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बफलो विंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में 750 ग्राम विंग्स ली हैं। अब 4 टेबलस्पून दही डालकर मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब सारे विंग्स निकाल कर दही का पानी अलग कर देंगे। दही का पानी अलग कर दिया है, अब शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विंग्स पे मसाला लगा लिया है, अब बफलो सॉस तैयार कर लेंगे। सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, फिर 2 टेबलस्पून चीनी डालकर मेल्ट कर लेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस 1/2 कप, हॉट सॉस 1/2 कप, केचप 1/2 कप, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून वर्स्टरशायर सॉस डालकर मिक्स करेंगे और अच्छे से बॉयल आने तक पका लेंगे। सॉस तैयार हो चुकी है, अब विंग्स पर कोटिंग कर लेंगे। विंग्स पर कोटिंग करने के लिए हमने सादा मैदा और ठंडा पानी लिया है। अब मसाला मिली हुई विंग्स को मैदा लगाकर क्रम्स बना लेंगे। क्रम्स बनाने के बाद विंग्स को ठंडे पानी में डिप करके दोबारा कोट कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद विंग्स को अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए और इसी तरह सारी विंग्स तैयार कर लेंगे। विंग्स पर कोटिंग कर ली है, अब फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद विंग्स डालेंगे। विंग्स को अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। विंग्स फ्राई हो चुके हैं, अब सारे विंग्स निकाल लेंगे। विंग्स फ्राई होने के बाद तैयार की हुई बफलो सॉस डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बफलो विंग्स तैयार हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।